तो गाइस ये है हमारे फेक लॉग की खतरनाक वाली सीरीज। और ऑल्सो आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में मैं और बंदर फंस जाते हैं नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर हमें मिलता है फेक लॉगी। फेक लॉगी हमें देखते ही हमारे ऊपर बेरहमी से हमला कर देता है, लेकिन समहाउ मैं और मेरा दोस्त बंदर बच जाते हैं उसके हमले से और नेदर के अंदर निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली बंदर को एक सीक्रेट पोर्टल की रेसिपी पता होती है, और उसी पोर्टल की रेसिपी से हम नेदर से निकल के ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही ओवरवर्ल्ड के अंदर घुसते हैं हमें मिलता है एक डार्क वर्ल्ड। डिग डाउन करने पर हम पहुंच जाते हैं पुराने जमाने की सिटी पर, और वहां पर हमें मारना होता है वार्डन को, और वार्डन को मारते ही हम लोग पोर्टल एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही पोर्टल के अंदर घुसते हैं ब्रोस हमें मिलती है अपनी दुबई सिटी, और वो भी एकदम से उल्टी। और ब्रोस अभी हम आ चुके हैं उसी वर्ल्ड के अंदर जहां पर हमने लास्ट टाइम वीडियो खत्म करके रखी हुई थी, और ठीक दुबई सिटी जो हमने दिखा कर रखी थी उल्टी वाली वो बिल्कुल मेरे पीछे है। तो अभी हम फिलहाल हम छुप छुप के जिंदगी यहां पे बिता रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़े बहुत पेड़ वगैरह मेरे को यहां पर काटने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास लिटरली ब्रोस मारने धाड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे सामने एक छोटा सा ज़ॉम्बी या क्रीपर या कुछ भी आता ना, तो मैं उसको मार भी नहीं पाऊंगा। फाइट करने के लिए लिटरली ब्रोस मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये पागल बंदे को देख लो भाई, तेरे को मैंने आर्मर लाने के लिए भेज के रखा था। ए भाव, मैं आपको बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, मैं ये जहरीले बंदों से बात नहीं करता। ये देखो मच्छी फेंक के फिर से मैंने पकड़ ली, इसे कहते हैं खतरनाक वाले स्किल। भाई तेरे को मैंने क्या कर रहा है भाई, मेरे को पानी के अंदर घसीटने की कोशिश मत कर भाई। मैंने तेरे को बोल के रखा था कि गीला हो गया ना मैं। ये मारा पीटी मत करो, मैं सारा काम आपका करके आ चुका हूँ, और मेरे को भी जाके मच्छी पकड़नी है, क्योंकि हम रात को खाएंगे आलू और मच्छी। अबे तेरे को जो करना तो करना, अगर मैं इसके पीछे छुप छुप के जाके देखूं तो ये देखो मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहा, नुबड़े के पास ऑलरेडी 500 मच्छियां हैं। ये काम करता हूँ इसको मार के पट से। लेकिन चलो ब्रोस फालतू के पंगे से नहीं लेते, ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर एक एक हार्ट और एक एक हंगर बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लकली ब्रोस मेरे पास यहाँ पर दो एंडेबल भी आ चुके हैं, जो कि मेरे को फिलहाल अभी यूज नहीं करने। और ये बंदा एक्चुअली ठीक से काम कर रहा है यार। ऑब्वियसली हम बहुत बड़ी जंग के ऊपर जा रहे हैं वीडियो के ऊपर, और ये ऑब्वियसली जंग के ऊपर जाने से पहले हमें खाने पीने का बंदोबस्त भी तो करना है ना यार। और ब्रोस हमें इस वर्ल्ड के अंदर ना थोड़ा बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया अपनी नहीं है, लाइक लिटरली ये दुनिया अपनी नहीं है। बट एनीवेज अभी गाइस मेरे को थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं इसको स्टोन वगैरह कलेक्ट करना, लकड़ी तो मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रखी हुई है, और ऑब्वियसली हमें ये नाकारा टूल्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और बंदर वाले वो मैंने तेरे को बोल कर रखा था कि थोड़ा बहुत रेडस्टोन लेके आना, क्या तूने वो जमा किया क्या? खबरदार थे मेरे से आज वाले दिन काम करवाने की कोशिश की तो आऊं क्या नुबड़े, आऊं क्या? हालांकि मेरे पास टूल्स वगैरह नहीं है मेरे को पता, लेकिन तेरा इलाज मैं अच्छे से कर सकता हूँ। कर रहा हूँ यार, ये बंदे की वाली भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैं जज्बाती हो जाता हूँ। देख मेरे भाई, मैं तेरे को फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये अपनी दुनिया नहीं है। हे भाव, हे वो अपनी दुनिया तो शाहरुख खान की फिल्म में थी ना। हे भगवान, बात करना ही बेकार है बंदे से भाई, उसका तो दिमाग अंदर से खाली है। जो मेरे पास थोड़ा बहुत बच्चा है वो भी आखिरकार ये खाली करवाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, एक बार फिर से मैंने लाइटर बन के रखी हुई है, और आई थिंक ये मैंने ट्रीज वहां पे तोड़े थे तो फालतू का सामान भी मेरे को मिल रहा है। तो एट दिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, एट दिस टाइम जो भी मिल रहा है सब कुछ आने दो, ठीक है? और तो ज्यादा हरकतें मत करियो, मैं तेरे को बता रहा हूँ प्लीज सीरियस, ठीक है? ये वर्ल्ड अपना नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान से खेलना। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने टारगेट के, और अगर कुछ भी हुआ मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई देख रहा है, तो यार कुछ भी हो तो प्लीज मेरे को बताइयो। बट एनीवेज ब्रोस आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अपना बेस, देख रहे हो? तो इस पहाड़ के नीचे इसमें थोड़ी बहुत अपनी इन्वेंटरी सेट कर लूं भैंस, कहीं इलेक्ट्रा गुम ना जाए। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रा मैंने अपने यहाँ पर फास्ट इन्वेंटरी स्लॉट के अंदर रखी हुई है, तो मतलब कोई भी हुआ तो फट से। अरे वाह बंदर वाले, लेट्स गो, तेरे पास फायरवर्क्स भी है भाई, तूने कितनी मेहनत करके रखी होगी यार, नाइस। तो यार मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ही किसी ने मेरे ऊपर हमला किया तो फट फट से ब्रोस हम लोग इलेक्ट्रा पैन के यहाँ से फायरवर्क्स की मदद से यहाँ से निकल जाएंगे। और यह मैं बताने वाला था कि हमने यहाँ पर अपने लिए एक सीक्रेट भैंस की आंख सीक्रेट बेस बना कर रखा है। बंदर सही है ना? ये मैंने भी बना कर रखा है, सारी मेहनत है मैंने करके रखी है। आराम से। तो गाइस देख रहे हो दुबई सिटी एकदम उल्टी बिल्कुल हमारे सामने है। और यह तो ज्यादा नौटंकी मत कर, ठीक है? आराम से क्या कर रहा है भाई, हमारा बेस टूट जाएगा पागल। आखिरकार इतना खतरनाक बंदा भैंस की इसको तीर लगता भी नहीं है, तलवार निकालनी। बगावा,
शांति समझ गया, अब चुप। तो गाइस ये एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये है अपना बेस और ये रहा अपना सीक्रेट अंदर जाने का रास्ता। भाई साहब, भाई बंदर ने तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करके रखी हुई है। और ये रहा चेस्ट खाली। और अरे भाई साहब, गोल्डन एप्पल है उसके अंदर, लेट्स गो। और गोल्डन एप्पल से याद आया, भाई तूने इतना खतरनाक वाला बेस बना के रखा है भैंस की, यहाँ खाना पीना किधर है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको समझाने से अच्छा है कि मैं खुद ही फटाफट से फर्नेस के अंदर थोड़ा बहुत खाना डाल लेता हूँ। अरे नाइस, कोयला भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना। इस वाले चेस्ट के अंदर हमारे फायरवर्क्स वगैरह पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे फालतू के टूल्स एंड कुछ कार्ड्स। ब्रो, हम लोगों ने बहुत ही खतरनाक लेवल की प्लानिंग करके रखी हुई है यार। ओके, एट द सेम टाइम ब्रोस, मेरे को थोड़ी बहुत अपनी इन्वेंटरी भी सेट करनी है। और बात सुन बंदर वाले मुंह, मैंने तेरे को बोल के रखा था कि वो स्पेशल वाला काम करना, अंडरग्राउंड वाला काम, क्या तूने किया वो? कौन से काम की बात कर रहे हो? वो पड़ोसी के घर से कबूतर भगाने वाला? अरे यार, ये बंदा एकदम से खोता हो चुका है यार। तेरे को मैंने बोल कर रखा था कि भाई मेरे टेलीस्कोप बना के दियो, हमने दूर से नजर रखनी है। अच्छा, बना लिया क्या? नाइस, बना लिया। दे दे मेरे को। वो तो मैंने कब का बना के रखा हुआ था टेलीस्कोप। ये देखो, ये देखो, ये देखो दुनिया। थैंक यू चीज, मैं आपको इतनी सनसनी देने वाला। ये देखो, एक हाथ से मैं देखता हूँ, एक हाथ से। ओहो हो हो, ये देखो ट्रिक, क्या देख रहे हो? इसे कहते हैं फ्रर वाली ट्रिक, देख रहे हो? आप नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, देता हूँ यार। एक ये बंदा जो है हाथा पाई पिया जाता है यार। यार जितने तरीके से चिल्ला रहा है ना, पक्का किसी ना किसी को पता लग जाएगा कि हम लोग यहाँ पर जो है कैंपिंग कर रहे हैं। बट एनीवेज ब्रोस, टेलीस्कोप मेरे पास आ चुका है एंड ये रही वंस अगेन ब्रोस। अभी आप देख सकते हो करीब से अपने दुबई वाली सिटी। और हैंग ऑन अ सेकंड ब्रो, मेरे को भी बहुत खतरनाक वाला फंडा दिमाग में मेरे बैठ चुका है भाई। हे यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हे बंदर वाले मुंह, मेरी बात सुन रहा है? क्या मैं इस वाले स्कोप से रामू की ऊपर नजर रख लूं तो? ले हे भाव, सही है। ए, मेरे को रामू की बिरयानी की पूरी रेसिपी मिल जाएगी भाई। हाँ भैंस की, हमको किसकी पड़ी है? हमारा पूरा वर्ल्ड तेरी, तेरे को मार के समझाना पड़ेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। हमारा लिटरली पूरा वर्ल्ड जा चुका है और इसको पड़ी है बिरयानी की। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, इस तरफ बिल्कुल ठीक। हमारे पीछे आती है दुबई सिटी और ऑब्वियसली हम वहां पर ऐसे नहीं जाएंगे, हमें जाना है अंडरग्राउंड छुप छुप के। और बंदर ने भाई पूरी मेहनत करके ना यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल बना के रखा है कि जब हम यहां से दुबई सिटी के अंदर जाएं तो हमें कोई देख ना पाए। और अंदर जाने का ये रहा अपना खुफिया रास्ता। ये कहीं मरवा मत दियो भाई, तेरे ऊपर भरोसा भी नहीं है मेरे को भाई। कहीं मरवा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अच्छा, कुछ जा रहा है क्या? पहले तू जाएगा भाई, पहले इसको जाने देते हैं। तो काम करते हैं, फालतू का सामान मेरे को यहाँ पर रखना है। और एट द सेम टाइम भाई, गोल्डन एप्पल तो पक्का लेने है ना, आगे फाइट के अंदर फुल ऑन काम आने वाले हैं। और ये ब्रोस, ऑब्वियसली मेरे को कार्ड्स वगैरह भी चाहिए होंगी, लेकिन आई थिंक इससे नीचे सारा सामान नीचे रखा होगा। एट द सेम टाइम थोड़े बहुत फायरवर्क्स वगैरह भी ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? ओ भाई, यहाँ पर तो असला बारूद तो एकदम से जबरदस्त। तो यहाँ से पिकैक्स ही मेरे को लेनी है। और इसको मैंने बोल कर रखा था कि इसने आर्मर वगैरह एक्यूमुलेट करने हैं, आई थिंक वो भी इसने करके रखे हुए हैं। और ये बाकी का कचरा यहाँ से निकालो यार। ये सारा कचरा फेंकना नहीं है, बाद में काम आएगा रोटी बनाने के। तो काम करता, मैं भी जो है ये वाला आर्मर पहन लेता हूँ, सोने का आर्मर। ए, हमने कभी छोटे बड़े काम नहीं किए भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी गैंग का बंदा हूँ मैं। हाँ, छोटे मोटे काम हम करते नहीं है। ये तो आप लकी हो कि मैं आज आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मेरे को ढूंढ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अमेरिका चलाने के लिए बंदा चाहिए, वो तो मैं आपके साथ बिजी हूँ। हाँ, लीजिए ब्रोस, अपने आर्मर वगैरह पूरे सेट हो चुके हैं। नाइस है भाई, अभी पूरा बंदर वाले मुंह, अभी जीत तोड़ मुकाबला करना और दुम दबा के भाग जाने वाला वर्ड जो है अपने डिक्शनरी में से पूरा निकाल दो, ठीक है ना? लेट्स गो। और अभी यह ऑब्वियसली फाइनल स्टेप जो है, अपना खाना भी रेडी हो चुका है। ओके, अभी कोई फंडा ले भैंस की, पूरा खा के भाई, तू पूरा ही ले गया भैया। मैं वो शेर करके खाना था यार। ये मैं पहले बता रहा हूँ, शेर नहीं खाता। हाँ, हम खाना खाते हैं। पागल बंदा यार, ऑनेस्ट टू गॉड एकदम से पागल हो चुका। और भाई क्या लेवल का काम करके रखा है इसने यार। अरे भाई साहब, एक्स्ट्रा कार्ड्स ही पड़ी हुई हैं। और ये देखो, बंदा तो एकदम से रेडी हो चुका है यार। ओके, देखो मेरे को भी आने, दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? तो अगर मैं बंदा मेरे को कसम से मरवा गया यार। मेरे को कभी कभी लगता है कि ये लौंडा अपनी टीम में है नहीं भाई, अजीब लेवल के काम कर रहा है। और ये देखो, अभी इतनी लंबी सुरंग जो कि इसने खोल कर रखी है, वो अभी मेरे को पैदल जानी पड़ेगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को पता कि हमने इस तरफ, मेरे को तो आई थिंक मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ। उतनी फिर से आ गया, अबे रुक, मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा भाई, मेरे प्लीज तेरे में हाथ जोड़ो। रुक जा, कहाँ जा, कहाँ है भाई?
अरे हम यहाँ पर डिज्नी वर्ल्ड नहीं आए, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे जा रहे, रुक जा एक जगह टिक के बैठ, रुक, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। हाँ तूने मार लिया, मैंने मार लिया, हिसाब बराबर। अभी चुप करके मेरे पीछे पीछे आता रहे और कोई मस्ती मुस्ती नहीं करनी, ठीक है। और लीजिए गाइस, हमारे टनल का एकदम से एंड भी आ चुका है, ठीक। यहाँ से मेरे को ऊपर जाना और यहाँ पर हमें फेक लॉगी या कोई ना कोई ट्रेस या उससे कोई बंदे या उसकी कोई मॉब या कोई कैमरा वगैरह, मतलब कि वो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये देखो, आपको तो गाइस याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर जब हमने फेक दुबई सिटी ढूंढी थी, आई थिंक मे बी शायद अपनी दुबई सिटी का मे बी ये ब्लू प्रिंट हो सकता है। और भाई साहब क्या एपिक लग रही है अपनी सिटी नीचे से यार। ओके ब्रोस, आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को थोड़ी बहुत अपनी इन्वेंटरी यहाँ पर जो है सेट करनी है। इलेक्ट्रा पहनू कि ना पहनू, लेकिन चलो रहने देते हैं, आर्मर ही बेस्ट है। अगर किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो आर्मर मेरे को एक्चुअली डिफेंड करेगा। और तू भी आर्मर पहन कर रख, ठीक है, इलेक्ट्रा मत पहनियो। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले पीछे देख लेता हूँ, क्योंकि हमने इतनी हरकत करके रखी हुई है, किसी ने हमें देखा तो नहीं। ये काम करते हैं, इलेक्ट्रा पहन के एक बार फर से उड़ के आते हैं। ऑलराइट, एट द मोमेंट एकदम से कोस्ट अपना क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वे व्हाट, अरे मेरे को वहां पर कोई दिखा। अबे रुक, नीचे नीचे वहां पर मत जा मेरे भाई, वहां पर कोई है, ये बंदा मरवाएगा भाई। मैंने लिटरली किसी को देखा वहां पर हिलते हुए। भाई वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई है, तो ये काम करते हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या है भाई, ये तो ट्रेन की पटरी है, ये तो भैंस की लास्ट वाली वीडियो में थी भी नहीं। यार बंदर वाले मुंह, मेरे को बता कि ये आखिरकार माजरा क्या है। तेरे को क्या लगता है कि ये बंदा जो है, जो फेक लॉगी हमारे शहर के अंदर घूम रहा है, हमारी सिटी के अंदर घूम रहा है, जो कि फालतू की सीरीज समन कर रहा है, आखिरकार ये चाहता क्या है ये? ए भाव, ए मेरे को तो टॉम एंड जेरी वाला सीन लग रहा है यहाँ पर। यार प्लीज दो, तेरे को जो बोला वो बता ना यार, तू बता ये ट्रेन की पटरी काहे तोड़ रहा है भाई। आई थिंक इसको सैंपल के लिए चीजें चाहिए होती है, तो यार प्लीज ठीक से बता तेरे को क्या लगता है कि वो क्या चाहता है। ए भाव, ए मेरे को लगता है कि जो लॉगी वाले भाव जो बंदे हैं, जो नकली वाले हैं, वो एक सीक्रेट वेपन बना सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोगों ने जो है ये सिटीज वहाँ वहाँ डाल के रखी हुई हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो इसका एक सीक्रेट वेपन बना सकते हैं। ये मेरे पास एक खतरनाक वाला आइडिया आ चुका है, हम क्यों ना इसका ब्लूप्रिंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें। मेरी खोपड़ी क्या चलती है आजकल यार। तो वो अगर हम ये ब्लूप्रिंट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसका वेपन नहीं बनेगा। देख रहे हो, ये मेरा बोल कर रखा है, मैं बहुत चालाक, बहुत खतरनाक, बहुत ही शाना बंदा हूँ, मेरी बात कोई मानता भी नहीं है। चुप कर, वैसे माजरा तो एकदम से सॉल्व हो चुका है, तो काम करते हैं ब्रो। यहाँ पर मेरे को बहुत सारे डायमंड के ओर दिखे, तो फटाफट से सुनहरा मौका है यहाँ पर अपने गोल्ड वाले आर्मर या आयरन वाले आर्मर को अपग्रेड करते हैं डायमंड के अंदर। ऑब्वियसली जितना खतरनाक वाला आर्मर होगा ना, उतनी ओपी लेवल की बैटल अपनी होगी। वैसे बंदर ने जाने अनजाने में ऑब्वियसली बात पते की कर दी है, मे बी कोई ना कोई सीक्रेट वेपन का चक्कर हो सकता है, मे बी। आई थिंक ब्रोस, मेरे को फंडा समझ में आ चुका है। बंदर, मेरे को लगता है कि क्या पता वो हमारे सीट के पीछे हो, क्योंकि तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, बात सुन रहा है ना, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये सुन तो रहा हूँ मैं, और ये मारा पीटी नहीं करनी। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, चटनी बनाता हूँ चटनी बंदे की। हाँ कल ही मैंने 2 किलो चटनी बनाई बंदों की, बात करते हो। हाँ समझ गया, चल चुप कर, ठीक है, ज्यादा बकवास मत बोल। तो आई थिंक मेरे पास गाइस इनफ डायमंड्स आ चुके होंगे, बट एट द सेम टाइम डायमंड हो और मन के अंदर लालच ना आए माइनक्राफ्ट के अंदर, ये कैसे हो सकता है? समहाउ मेरे को सारे डायमंड तोड़ने हैं। बट एनीवेज, तो ये मेरे को लगता है कि अगर हम क्यों ना, अगर इसकी दुबई सिटी जो फेक वाली है, जो उल्टी लटकी हुई है, अगर हम इसको तोड़ दें तो पता नहीं क्या होगा। आई थिंक ये यही एक बेस्ट आइडिया होगा। बट एनीवेज ब्रोस, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखना होगा, एंड सबसे पहले मेरे को बनाना है अपनी चड्डी, एंड लेट्स गो। चड्डी अपनी रेडी हो चुकी है, उसके बाद आएगा अपना हेलमेट, नाइस है भाई। एंड फाइनली जो कचरा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, सबसे पहले इसको सेट करते हैं। अरे भाई ये को डायमंड, इसको भी तोड़ते हैं एंड इसको भी तोड़ते हैं, नाइस। कुछ और तो बच तो नहीं गया क्या? आई थिंक, अरे सामने कोर पड़ा हुआ, लेकिन मारो उसको गोली। तो ले बंदर, मेरा पूरा आर्मर सेट हो चुका है यहाँ पर, लेट्स गो। तरक्की देख रहे, तूने अभी तक अपना आर्मर चेंज नहीं किया भाई, तू क्या बंदा है भाई? तेरे को मैंने बोल के रखा था कि डायमंड बहुत सारे पड़े हैं, उठा के अपना डायमंड का आर्मर बना, सुनता ही कोई नहीं है भाई। भाई आज तो तू मेरे को बता करेगा, भैंस की यहाँ क्या तू गधा है या तू डोंकी है, आज तो बता दे। शांति रखिए भाई, ये मेरे को यहाँ पर कुछ दिख रहा है। हे भाई, है ये तो लॉगी भाव है? अरे नहीं है वो, नहीं है वो, शांति रख। आई थिंक वो फेक लॉगी है ब्रो। से काम करते, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता, तू आगे मत आइयो भाई साहब। लिटरली उसका टीवी मेरे को दिखा, ये तू यहाँ पर छुप के देख, ठीक है, ज्यादा ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, और चुप कर, शांति रख। तो एक बार फिर से अगर मैं जूम इन करके देखो, तो आई थिंक ब्रोस वो अपना वो ट्रैक कंप्लीट कर रहा है। वेट व्हाट, ये देख रहे हो
पूरा ट्रैक उसने बना के रखा हुआ। आई थिंक इसी वेपन मे बी इस ट्रैक का लिंक किसी वेपन के साथ हो, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक अपने सामने फेक लॉग किया और एक बार फिर से गाइस हवा के अंदर उड़ा। वे व्हाट, हा 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 हा, द वर्ल्ड शुड बी डिस्ट्रॉयड। वे व्हाट, क्या लिखा, वो दुनिया खत्म करने की बात कर रहा है यार, व्हाट द हेल। ये देख रहे हो गाइस, सबके सामने यहाँ पर मैसेज आ चुका है। ए बंदर, तेरी वाली स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया है क्या? हाँ भाई, ए मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है मैसेज आया है, ए कुछ जापानी भाषा में लिखा है। हाँ, मेरे को अंग्रेजी पूरी पढ़नी आती है, लेकिन ये जो है जापानी भाषा का उपयोग किया गया यहाँ पर। बहुत चालू है। हाँ, मेरे को पता था कितनी इंग्लिश आती है। और तू कहाँ भाग के जा रहा भाई, रुक तो सही ना। ए भाव, ए मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, कोई खतरनाक वाली चीज होने वाली है भाई। ए मेरे को अभी इस फंडे में पढ़ना नहीं है, और मैं तो अभी कनाडा भी नहीं गया। और हम कौन सा कनाडा रोज जाके आते हैं भाई, ये बंदा एकदम से सटा गया है कनाडा के पीछे एकदम, बंदा ये पागल हो चुका है। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रो, जिसको मारते गोली। यहाँ पर मेरे को डीप डिग करके पता लगाना है कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये ट्रैक्स जाते कहाँ है। और अभी मेरे सामने फेक लॉगी गया, तो उसका मतलब ये है कि अभी इस वर्ल्ड के अंदर मेरे को और बंदर को छोड़ के कोई भी नहीं है। तो काम करते हैं, मेरे को अपनी हेल्थ बार, अपनी हंगर बार पूरी फुल रखनी है, एंड यहाँ से जंप मार के भैंस की लाइटर मैंने पहनी भी नहीं, ले चालू काम, एंड जंप मार के फिर। ओ भाई साहब, ओके आई बिलीव मेरे को ये स्टेशन लग रहा है। और अगर मैं थोड़ा बहुत साइड से आके देखूँ ना, कहाँ चला गया। अबे तू भी लाइटर लेके आना, क्या पागलबंदी कर रहा है, दोनों साथ में मिलके मरेंगे। आजा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ओके लेट्स गो। ओके बंदा अपने काबू में आ चुका है, लेट्स गो। तो गाइस अगर मैं ऊपर जाकर देखूँ ना, हे यो, मेरे पास मस्त आइडिया आ चुका है। गाइस आपको याद होगा कि दुबई सिटी के अंदर हमारी एक वेयर हाउस है, जहाँ पर हमने खतरनाक वेपन्स रखे हुए हैं भाई। आपको तो पता है अपनी ऑगी की जोर ब्रोस, अगर वो वाले वेपन्स या तलवार मेरे काबू में आ जाए ना, भैंस की सबकी बैंड बच जाएगी, वो भी एक ही बारी में। लेकिन यहाँ पर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एवरीथिंग उल्टी है। ओके मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं। हे मेरे सामने लॉगिया घर है, तू कहीं ना कहीं पार्किंग करके यहाँ पर पहुंच। ओके क्या करूँ क्या करूँ, काम करते हैं। सबसे पहले ना मेरे को ये वाला फेंस तोड़ना पड़ेगा। और भाई ज्यादा दूर मत जाइए, मेरी बात सुन रहा है ना, अजीब पागल है, इसको मारते गोली, क्योंकि अभी ब्रो मेरे को खतरनाक वाले आर्मर मिलने वाले हैं। मेरे को पता है लॉगी अपने जो सॉर्ड वगैरह तलवारें वगैरह है ना, ये अपने घर के सामने वाले जो चस्प पड़े हुए हैं ना, वहां पर रखता है। और अभी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन मेरे को हो रही है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ देखूं। मैं लिटरली ब्रोस अपनी गर्दन उल्टी करके देख रहा हूं भैंस की आंख। ओके एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे वेयर हाउस के अंदर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। और अगर मैं एक बार फिर से फायरवर्क्स, कहाँ पर है भाई, मेरे को तो मेरा, ये रहा एंड फट। ओह माय गॉड, फाइनली पहुंच गया यार। मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि भाई यहाँ पर हम पहुंचने वाले लिए, और मेरे फायरवर्क्स बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खत्म हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। एंड ये रहा अपना रियल असला बारूद, लेट्स गो। ओके बंदर वाले बू, तू भी आजा फटाफट, यहाँ पे बहुत सारा माल है यार। हाँ वो तो आपकी आवाज सुन के मेरे को लग रहा है। हाँ देख रहे हो, ए गाइस देख रहे हो, ये होती है असल लेवल की जो है लुटेरा बनती। पबजी में भी यही हाल था इसका, पबजी में भी बंदा मारा नहीं, सबसे पहले क्रेट लूटने यही जा रहा है। हाँ। यार तो छोड़ना यार, क्या ड्रामे कर रहा है, ऊपर आना भाई, सबसे पहले माल लूटना और हमें आगे निकलना, जल्दी कर। ओके तो यहाँ से ये भी निकाल लेते हैं, तो मोस्टली माल हमने यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है। और अभी ब्रोज मेरे पास आ चुका है ओपी ओपी माल, लेकिन अभी भी ब्रोज मेरे पास वो ऑगी खतरनाक वाली शॉट नहीं है। और यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, एंड फट। अरे वो भाई, मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि मेरी लाइटर चलनी बंद हो चुकी है यार, मैं डर गया था। ओके अभी मेरे को यहाँ पे पेड़ के ऊपर पार्किंग करनी है, कम ऑन आहिस्ता। ओके अभी मेरे को समहाउ बिल्ड करके सामने तक जाना, क्योंकि मेरे को पता है लॉग की खतरनाक वाली वेपन, जैसे मैंने बता चुका हूँ ना, सारे के सारे खतरनाक वाले वेपन घर के सामने वाले जो चेस्ट हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं। और अगर मैं यहाँ से बिल्ड करके वहाँ तक समहाउ पहुँचता हूँ भाई, मेरे को पूरे चक्कर आ रहे हैं यार, जो चीजें उल्टी थी वो सीधी हो चुकी हैं, और जो चीजें सीधी थी वो उल्टी हो चुकी हैं मैन। ओके आराम आराम से भाई, मिस्टेक मेरे को नहीं करनी, वैसे ओतरी आने वाला है। अरे अभी मेरे को ऊपर बिल्ड करना, कम ऑन, अगर इसके अंदर ऑगी की तलवार मिल गई ना, तो भैंस की हमारे पास बहुत ही खतरनाक लेवल का ऊपर हैंड आ जाएगा, एकदम से अपर हैंड। अबे यार इसके ऊपर ब्लॉक लगा हुआ है मैन,
कम ऑन, सबसे पहले ऊपर वाला ब्लॉक तोड़ना। अरे यार चेस्ट खाली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या पता इसके अंदर कुछ पड़ा हो। एंड फट मैन, ये भी खाली है यार, क्रैप, पूरा प्लान अपना खाली हो चुका है। और लॉकी का घर कितना अजीब लग रहा है भाई, एकदम से उल्टा। मैन एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं और मेरे को यहाँ से ये वाला ग्लास तोड़ना, ये वाला भी तोड़ना है। एंड फट से यहाँ से छलांग मार के ना मेरे को ध्यान से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लॉक्स और बिल्डिंग मटेरियल भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन मार दो गोरी बिल्डिंग मटेरियल को, भैंस की मारो गोरी बिल्डिंग मटेरियल को। ओके यहाँ से छलांग मारू कि ना मारू, क्या करूँ क्या करूँ, चलो निकलते हैं यार। अरे लेट्स गो, अरे बंदर वाला मुंह कहाँ चला गया? ए भाऊ, ए मैं नीचे हूँ। ए भाई, ए मेरे को यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा मिला हुआ है, ए फटाफट यहाँ पर आइए फटाफट। खुद नुबड़ा बंदा हवा के अंदर उड़ रहा है और मेरे को फटाफट फटाफट। और ये हैंग करो सेकंड, यहाँ पर और स्टेशन ही बने हुए हैं, किधर गया यार? तो दो सेकंड के अंदर बंदा गायब हो जाता है, किधर गया भाई तू? ए भाऊ आपके पीछे तो हूँ मैं यार, नजर तो आते नहीं, पीछे खड़ा हूँ आपके। और ये मेरे को फालतू के तमन तुमन नहीं बोलना, हाँ मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा, बहुत प्रकोच्चा मैं, बहुत प्रकोच्चा। हाँ बताओ, ए पीछे देखने का है, पीछे का। अबे गवारो ग्रास की मार, किधर है भाई? अरे भिंडी बाजार का चोर, क्या बकवास कर रहा है ये? अरे गीली चला की थे तू, फनल की बोतल। हाँ नीचे, हाँ यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ मैं बहुत चलाक बनता हूँ, मैं आपको अपने तोड़ के बताऊँ ना तो एकदम से हैरान हो जाओगे। बता क्या क्या बताएगा तूने, क्या ऐसा नॉलेज वाला कौन सा काम किया जिससे मैं हैरान हो जाऊँ? एक चीज बता दे मेरे को, बस एक चीज। आपको पता है मैंने एक बार एक किताब पढ़ ली, और किताब पढ़ने के बाद किताब को नॉलेज मिल गई। हाँ देखो कितनी बुद्धि है मेरे पास। हाँ मेरे को पता है तेरे पास कितनी बुद्धि, अगर तेरी बुद्धि ना हो तो हम दुनिया के अंदर दुनिया कैसे चलाएंगे, हमको पता है। बट एनीवेज ब्रो, जिसको मारते हैं गोली, और मेरे को थोड़ा बहुत अपना खाना पीना सेटल करना पड़ेगा। और ये जगह देख रहे हो कैसे बना के रखी है भाई? ब्रो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये टॉर्चेस नहीं लगी होती ना तो मेरे को ये जगह बिल्कुल देखने वाली भी नहीं थी। और देख रहे हो भाई अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है, आज हमारे जांबाज बंदर अंदर जाएंगे। पहले चलिए, पहले आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो करिए। हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ, मेरे को पता है तेरे से ये एडवेंचर वाला काम नहीं होने वाला, तू बुजदिल है भाई, तू बुजदिल है, तूने चूड़ियां बनकर रखी हैं। लेकिन चलो गाइस, इसकी चूड़ियों को मारते गोली और अभी चलते हैं आहिस्ता। तू आ रहा ना पीछे, ये इतना नुबड़ा बंदा डरपोक कहीं का मेरे पीछे भी नहीं आ रहा। और मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है ब्रोस, चारे पासे तू तीर कमान लेके आ रहा है भाई, ले देखो। चलो कोई बात नहीं, एक बंदा तीर कमान के साथ आना चाहिए। मेरे को क्यों मार रहा है भाई? ए सॉरी भाई, ए गलती से हो गया मेरे से यार, लेकिन आप टेंशन नहीं करने का। हाँ मेरे पास पूरा टील एकदम से लोली हो चुका है, किसी ने कुछ भी करा तो मैं भाग दूंगा। अबे मेरी पूरी हेल्थ जा रही है भाई, पागल हो गया क्या तू? तेरे को भागना तो भाग चाहिए हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अपनी हेल्थ पूरी करते हैं और अंदर बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली ब्रोस अंदर बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रैगनों के सर पड़े हैं, मतलब कि एक बंदे ने एटलीस्ट 15-20 ड्रैगन को मार दिया होगा भाई। और ये देख रहे हो, ओ माई गॉड क्या खतरनाक लेवल की जगह बना कर रखी है लौंडे ने यार। तो थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे वाइन्स तोड़ लेता हूँ, आई डोंट थिंक ये तोड़नी है कि नहीं तोड़नी, आई डोंट नो। और मेरे हाथ में एक बार फिर से गाइस मैंने एंडर पर्ल पकड़ के रखा हुआ है, अगर जरा सी किसी ने मच की। और ये खोपड़ी बनी हुई है भाई, मैंने देखा बनी है इसको, ओ माय गॉड। अरे हैंग ऑन अ सेकंड, अंदर जाने का रास्ता बना हुआ यहाँ पर भाई, वे व्हाट, हैंग ऑन अ सेकंड, मैं ये ग्लास तोड़ भी नहीं पा रहा। What the hell? ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या चीज है क्या? Literally मैं यहाँ पर कोई भी चीज तोड़ नहीं पा रहा। What? मैंने अब भी अंतर आते समय वाइन तोड़ी, बंदर तू भी नहीं तोड़ पा रहा भाई, ये कैसे हो सकता है? Okay, तीर कमान से कुछ नहीं होता भाई, ये पागल बंदा यार, तीर कमान से ग्लास नहीं टूटते। तो अगर मैं ब्रोस पीछे यहाँ पर जाके देखूँ तो, और अगर किसी चीज के ऊपर, ओके नाइस इंटरेस्टिंग, ओके तो ये माजरा है। तो बेसिकली ब्रोस इस वाले ब्लॉक के ऊपर के बाद लाइक इसके बियॉन्ड में कोई भी चीज नहीं तोड़ पा रहा, लाइक व्हाट द हेल, खतरनाक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चीजें तोड़ के देखूं तो एकदम से टूट रही है, और क्या फास्ट पिकैक्स है मैन। ए भाऊ, ए मैंने भी देखा कि इसकी आंखों में जो है वो फायर वाली बॉल लगी हुई है, अगर हम उसकी पर तीर के मन मारे दूर से तो हम कुछ ना कुछ जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ ये ट्राई करते हैं हम लोग। वैसे बात तो लौंडा ने सही करके रखी हुई है, लेकिन एक काम करते हैं, इसकी बात मानने से पहले ना, क्योंकि कुछ भी होगा ये बंदा भाग जाएगा, इसके ऊपर भरोसा करने लायक है ही नहीं, ये बंदा भरोसे वाला है ही नहीं, कुछ भी होगा ये बंदा भाग जाएगा। तो एक काम, तू देख रहा ना, जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो तेरे को चढ़ने की क्या जरूरत है सर जी, ऊपर मत आइए। ओके तो मेरे को ऊपर चढ़ के देखना कि क्या पता यहाँ पर कोई ना कोई लेवर वगैरह लगा हो जिसको दबा के हम ये दरवाजा खोल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा। ये कैसे उतर रहा भाई ये? पर एनीवेज ये काम करते हैं, बंदर का आइडिया मेरे को जबरदस्त लग रहा है, और तीर कमान तो मेरे हाथ में है ना, लेकिन मैं डर रहा हूँ यार कि अगर मैंने गलती से गलत चीज को एक्टिवेट कर दिया तो भैंस की पूरी जिंदगी यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और कभी बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वैसे सही बोल रहा है, ये तो फायर चार्ज ही लग रहा है मेरे को। ओके ये वाली आंख में ये फायर चार्ज है,
और लेफ्ट वाली में, तो क्यों मार रहा डैमेज ले रहा भाई। ओके चलो ब्रोस ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते एंड फायर लेट्स गो। तो एक गया। ओके अभी मेरे को दूसरा वाला तू मार, चल मार ऊपर मार ऊपर, हाँ एम करके मारियो लेट्स गो। अरे दरवाजा खुल चुका बंदर वाला मुंह अपना एकदम से ओपी लेट्स गो भाई मेरे यार खतरनाक है यार। ओके अभी यहाँ पे कोई मचमच नहीं करनी, नीचे क्या है मेरे को नहीं पता, तो अभी हमको आराम आराम से जाना ठीक है। और हैंग ऑन अ सेकंड, मेरे को नीचे स्कैलिस की आवाज आ रही है और ये देखो कितने सारे आ चुके हैं, डैमेज मत लियो। अरे भाई बहुत सारे हैं, अबे तलवार लगे घुस जा अंदर, मैं निकलता हूँ तेरे पीछे वेट करता हूँ। ओके मैं पीछे वेट भी नहीं कर सकता भैंस की, पूरा ब्लॉक हो चुके हैं, मतलब की जितना आगे जा रही है उतना रास्ता पीछे से ब्लॉक हो रहा है, कुछ अंदर लेट्स गो हमला भैंस की। तुम लोग बंदर को मारोगे हैं तुम लोग, अच्छा किधर गया लगता है, मर गया क्या वो। ये मैं पीछे बैठा हूँ आराम से, हाँ कैंपिंग कर रहा हूँ पबजी की तरह। ये मेरे को आगे नहीं जाना भाई, ये मेरे को मार देंगे यार, वो खतरनाक वाले बंदे हैं यार ये तो। भाई अगर तू नहीं आया तो ये लोग मेरे को मार देंगे, क्या कर रहा है। ओके आ गया, अबे इनको मार, तेरे को क्यों नहीं मार रहे। हाँ मार 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 लेट्स गो, अब ये की बचा हुआ है, वो दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इससे पहले उनकी मीटिंग खत्म हो उनको लपेट ले। अबे एक साइड में भी साइड में भी पकड़ इसके, इसको तो मैं मारता हूं नुबड़ा बंदा। अरे मैं एक ही हाथ पे हूं, क्विक ओ ओ बच गया, गलती से इसने तीर कमान करते तो तीर वो मिस कर दिया। ओके इसके इससे पहले कि ये मेरा कचरा बना दे, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना बना के अपनी थोड़ी बहुत हेल्थ जो है रीजनरेट करते हैं। पम्मी भाई ये हेल्थ को छोड़िए, इसको देखिए ये हम कहाँ पर आ चुके हैं। ये मेरे को तो कपड़े धोने की मशीन लग रही है, ये बिल्कुल सेम टू सेम मोटर जो है मेरे कपड़े धोने की मशीन में भी लगी हुई है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम कपड़े धोने की मशीन के अंदर से पार्कोरिंग कैसे करते हैं, देखो और सीखो मुझसे। अभी देखना ऐसे मक्खी की तरह जाकर फुर करके मैं उधर पहुंच जाऊंगा, देख रहे हो ना। अबे रुक अभी मत जाइयो भाई मेरे, पहले मेरे को थोड़ा बहुत सोचने दे। अगर मैं पीछे जाके देखूं तो पीछे तो मैं घर तो वापस जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने पूरा दरवाजा ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये देख रहे हो पूरा एकदम से काला काला सारा ब्लॉक करके रखा हुआ है। और अगर मैं आगे जाके देखूं तो ओह माय गॉड होली मूली, अब ये कौन सी आइटम है भाई। ओके बंदर वाले तू किसको देख रहे हो, उधर कोई भी नहीं है, दिमाग मत खराब कर। ओके चल दोनों साथ में चलते हैं लेट्स गो, तू राइट वाला पकड़ ले मैं लेफ्ट वाला पकड़ता हूँ एंड लेट्स गो। तू तो पहले जा चुके हैं, अरे नाइस एंड ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान से मेरे को खेलना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग। अबे तू क्यों मरा नुबड़े, मेरे को काहे मार रहे हो। अबे नुबड़े अगर तू मरेगा तो उसका मतलब ये है कि तू भी रिस्पॉन होगा और मैं भी रिस्पॉन होऊंगा। अरे भाई ये कैसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ यार मैं। ओके अभी मैं जाऊंगा एंड फट से, देख रहे हैं ऐसे करते हैं, आराम से आराम से गिरना नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कौन सा वॉशिंग मशीन पर रहूं, मेरे को तो कपड़े धोने भी नहीं आते। लुक मेरे पास एक मस्त वाला आईडिया, मेरे पास दो एंडर पर्ल ठीक है, एक तेरा एक मेरा, ले ध्यान से यूज करियो ठीक है। अभी हमने एंडर पर्ल मार कर उस तरफ जाना है, लेट्स गो, जब मैं तीन बोलूंगा तभी मारियो ठीक है। नहीं पहले तू मार, चल मेरे को देखना है कि तू सही मारेगा कि नहीं मारेगा, मार दे। कहां गिरा, ले भैंस की आंख, किसने एंडर पर्ल मारा भी तो लावा के अंदर मारा है बंदर। पता नहीं ब्रो ये बंदा मेरे को पागल करेगा। ये अगर आप में दम है तो आप जाके दिखाओ ना, अंडापल कर ले कब से, मैंने तो पहले मार देनी, उधर जाके मरो। चलो अभी आपकी बारी अंडापल मारने की, चलो मेरे को देखना है कि आप के अंदर कितनी जान है, मार दो अंडापल। ओके अच्छा है, बड़े ताकतवर बंदे बन रहे हैं मेरे सामने। वो तेरी शो ऑफ देखी मेरे सामने कैसे करी इन लोगों ने, अरे बाप रे ये तो पहुंच गया। ओके अभी यहाँ से जो है आपने अंडापल मारना है, अंडर पर सारे पर निकल आए अपने, तो सारे देख रहे हो ना आप, अभी मेरी चपेड़े खाओ। तू चुप कर अभी जाऊंगा मैं, लेट्स गो आराम आराम से। गाइस मैंने अपने हाथ के अंदर जो है गोल्डन एप्पल पकड़ के रखा हुआ, वैसे मरने की टेंशन तो नहीं है एंड फट जा से जंप जंप लेट्स। अरे यार मैं पहुंच नहीं वाला था, कम ऑन बंदर तू कर सकता है, लेट्स गो, मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल नहीं भरोसा। नहीं भैंस तू तो पहुंच गया, रुक जा आगे तेरी आगे जाके, रुक जा मेरे भाई। अबे इसके लगता है सर पे खून सवार हो चुका है, अबे ब्रेक मार, रुक पहले मैं जाऊंगा। इसको इसको बहुत जल्दी है, इसको कुछ ज्यादा ही जल्दी है, आराम से चलना है आराम से, लेट्स गो आराम से। ओके नाइस जंप, और अभी मैं इसको नहीं छोडूंगा, अभी मेरे को ये पूरा करना है एक ही बार में। ये क्या कर रहे हो, कुत्ता मर रहे मेरे को ही मरवा रहे भाई, क्या रुक जाओ भाई एक जगह रुक जाओ। ये बंदा टिक के बैठ लेता है, सांस लेके आराम से करते हैं, हां मैंने भी कर दिया, लेट्स गो। अरे मैं भी बहुत चालाक हो चुका हूं, आगे बढ़ो। ले ये मैंने कर भी दिया था यार, रुक अभी मेरे को थोड़ा बहुत सोचने दे यार, ले आते ही मर गया। ओके अभी पहले मैं आ जाऊंगा ठीक है, उसके बाद तू आएगा। ले रुक तो सही, देख तो बंदा बात भी तो नहीं मानता एंड फट से छलांग। ये वाला थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, तू करके दिखा पहले, चल पहले तू जा, चल कम ऑन तू कर सकता है, मुझे क्या ड्रामे कर रहा है भाई, तेरे को जाना तो जा। ओ तेरी भाई 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 मम्मी भाई, मैं आपको पहले वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब की बारी आप गिरे ना तो बहुत गिरे हुए बंदे। अरे वाह, आप भी अभी जो है मेरी तरह चलाक हो चुके हो, हां
आपका नाम भी गटरों के ढक्कन पर लिखा जाएगा, मैं खुद लिखूंगा। यार तो चुप कर यार, पहले अभी ये बता कि ये कौन सी सर घुमाने वाली जगह आ चुकी है। मैन पूरी धरती हिल, ले चक्कर। ओके अभी किस तरह जाना मेरे को तो ये भी नहीं पता। होली पूरा घूम रहा हूँ मैं। ओके आराम से नीचे देखते हैं। एंड आई बिलीव अगर मैं यहाँ से छलांग मार कर देखूं तो लेट्स गो बंदर वाले मुंह, क्या बात है, देख रहा तरक्की देख रहा है, एकदम से कैसे प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं प्रोग्रेशन। एंड लेट्स गो। ओ तेरी, ओके यार अजीब अजीब भूल भुलैया है। ओके इस तरफ नहीं जाना क्योंकि हम इस तरफ से आए थे, अभी मेरे को जाना। ओ भैंस की आँख, क्या बिजलियाँ चमक रही हैं। कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं, लाइक कुछ ना कुछ तो हरकत यहाँ पर हम कर रहे हैं और उसकी बदौलत बिजलियाँ चमक रही हैं। हे भाव, ये बिजली का तो पता नहीं मेरे को चक्कर आ रहे हैं यहाँ पर, मैंने तो अभी सर दर्द की गोली भी नहीं खाई। ओ ये रुक चुका है। हे भाई ये आपने क्या किया, ये झूला रुक गया। ए मेरे को और भी झूले खाने हैं, घुमाओ एकदम फास्ट एंड फास्ट घूमने चाहिए झूले, ये फास्ट एंड फास्ट। कम ऑन यार, करना तो पड़ेगा मेरे को किसी भी हालत में, मेरे को सामने जाना है। कम, अरे पहुंचने वाला। और तेरी अभी तो स्क्रीन भी काली हो चुकी है। वेट व्हाट, कम ऑन क्विक, हम कर सकते हैं, लेट्स गो। अब की बार अगर मैं भाग के जाके देखूं ना तो ये हो जाएगा, लेकिन किस तरफ जाना यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार ये तो। मैन उतरी उतरी, ये कहां से आ गए, ये का मार, इनको मार, क्विक क्विक क्विक। मार तो रहा हूं भाई, मार तो रहा हूं मैं इनको। और कितने सारे आ रहे हैं यहां पर, तो ये मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ये तुम लोगों को भी तो चक्कर आने चाहिए ना। ये देखो घुमा घुमा के मार खा रहा हूं मैं तो यहां पर, जो कर रहा हूं चुप कर यार, भले इनको मार। अबे कितने सारे आ रहे हैं यहां पर तो, क्विक हरी अप भाई, मेरी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हेल्थ जा रही है यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा यहाँ से। बंदर वाले मुंह, मार दिया सबको, मार दे, घसीट घसीट के मारिए इनको। और ले एक बार फिर से स्क्रीन काली हो चुकी है, नाइस। और ये आवाजें किसकी आ रही हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत आगे जाके देखूं तो भाई ये किस चीज की आवाज आ रही है भाई यहाँ पर, तो ये क्या है ये भाव। मेरे को तो उजड़ा हुआ कबूतर लग रहा है, उजड़ा हुआ। हाँ बहुत चालू बंदा ये भी। इससे तो मैंने अभी इससे बात नहीं करनी हो रही, क्या लिखा अननोन एंटिटी, तो कोई ना कोई मसला है यहाँ पर भाई। तो ये कबूतर जो नॉट कबूतर, जो ड्रैगन लोगों ने छोड़ कर रखा हुआ ना, कोई ना कोई मसला होगा। आई रियली डोंट लाइक द विजिटर्स एट ऑल। अरे हम विजिटर नहीं है भाई, हमें आगे जाने का रास्ता बताइए। ये बंदा बहुत बोल रहा है, रुक जाओ, इसके ऊपर सड़क इसकी बैटरी में निकालता हूँ आज, इसकी आज हम इसकी बैटरी निकाल के इलोन मस्क को बेचेंगे डबल प्राइस में। हाँ। यार तो इलोन मस्क को छोड़, पहले मेरे को ये बता कि इतनी खतरनाक लेवल की आवाज कहाँ से आ रही है यार, कुछ ना कुछ तो तूने करके रखा गलती से। और ये चली गई भाई साहब, इसके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, हैंग ऑन अ सेकंड। बंदर वाले देखियो इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, उठा उसको, ये जो चीज पड़ी है फ्रेम के अंदर इसको निकालते हैं, इसको निकाल के दिखाइयो क्या है ये, मेरे को देखना है। ले एक तो फिर से इन लोगों ने जो है स्क्रीन काली कर दी, लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, यहाँ से बच कर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मैंने इसकी बैटरी निकाल दी। अभी करना है, अभी 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 तक गिराना। अरे मामा तो ये छोड़, ये तो बीच में कुछ चीज पड़ी हुई, ये दे मेरे को। आई थिंक ये कोई ना कोई चाबी वगैरह या कोई ना कोई की हो सकती है जो कि हमें यूज करनी है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये बीच में जो पड़ी हुई है ये निकाल के दे ऊपर। अबे वो नहीं हिलाएगा पंख, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से अगर मैं यहाँ पर ट्रैप्स वगैरह बने हुए हैं तो ऑब्वियसली जो भी रास्ता है वहां पर ही होगा। और हैंग ऑन अ सेकंड, ये दीवार के ऊपर ये फ्रेम टाइप कुछ ना कुछ बना हुआ है और उसके अलावा पूरा आसपास कुछ भी नहीं है, ये देख रहे हो। मे बी कोई ना कोई फसाद। अरे यहाँ, और ये कनेक्टेड है किसी न किसी चीज के साथ ये। अरे मैं समझ गया, अरे वो चीज निकाल के दे, मैं तेरे कब से बोल रहा हूँ। अरे इसके बीच के अंदर जो लट्टू पड़ा हुआ भैंस की, वो निकाल के दे। पता नहीं कौन सी भाषा समझता है यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर भाई। लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड, पहले लट्टू लगाने से पहले ना मेरे को चेकआउट करना कि क्या वो लट्टू इसी जगह का है या नहीं है। ओके अगर मैं देखूं तो एक्चुअली की टाइप चीज बनी हुई है, और मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ये उठा के लाइक पहले अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेते हैं, ये मेरे को दिया बंदर वाले मुंह। हाँ तो अगर मैं ये लगा के उठा के वहां पर लगाऊं तो एक्चुअली फिट आ सकता है। और ये ऑलरेडी किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्टेड है। दियो मेरे को, फेंक दे यहाँ पर, फेंक दे, लेट्स गो, नाइस, थैंक यू सो मच। और अगर भाई ये यहाँ, ओ भाई अभी ये क्या चीज, अबे कहाँ जा रहा है वो, चटनी बन जाएगी तेरी, ये तो पागल है क्या है ये। आई थिंक यहाँ से ये डैमेज भी नहीं ले रहा, तो अगर भाई ये अंदर जाके क्राउच करके देखूँ, ये कोई ना कोई डोर है जो आई बिलीव फंस चुका है। देखो यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, एंड लेट्स गो, वी डिड इट। बंदर वाले मुंह देख रहा है कितना चालाक हूँ यार। और एक बार फिर से, हाँ वॉशिंग मशीन वाला पार्क और आ गया बंदर वाले मुंह। और आगे बढ़ने से पहले ब्रोस, जान प्यारी है तो हमको यहाँ पर गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा, लेट्स गो। एंड वन, पहले तू क्यों चला जाता है भाई, अगर यहाँ पे इसकी यार तो बहुत चालू निकला यार, एकदम खतरनाक। ओके अभी मारो, रुक 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 रुक, तेरी, ओके अभी फिर से घूम के आएगा तो यार, पुर, यस लेट्स गो।
अब ये क्या है? रुको भाव, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर चढ़ना है एंड ठीक है, जो जैसे मैंने किया वैसे मत करना, हाँ अपना दिमाग लगाओ। अरे अपना दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, काम करता है इसके ऊपर चढ़ते हैं आराम से। कम ऑन WWW जंप, ओरे लेट्स गो भाई, पहुंच गया मैं, नाइस। और ये कौन सी जगह है? ओके आई थिंक ये सामने मेरे को कोई ना कोई कन्वेयर बेल्ट लग रही है, मे बी ये दरवाजा हो सकता है। अब तो दिमाग खराब मत कर, किसको मार रहा है? Hang on a second, let's go। तो यहाँ पर मेरे को भी बटन दिखा एंड नाइस, क्या बात है। ए भाव, ये वाला जो है ये मैंने खोला है। हाँ मेरे को पता है, ओ तेरी क्या, एंड मौके पर बंद हुआ भाई, ये तो शुक्र है मैं आ गया, नहीं तो मेरी यहाँ पर हड्डी फसली एक होने वाली थी। और मेरे को रेस्टोरेंट भी दिख रहा है इनका, और भैंस की यहाँ का, ये क्या चीज है भाई, हेलो। अब ये कौन सा ट्रैप है? इसको करना तो कैसे करना, नीचे भी लावा, ऊपर भी लावा, लेफ्ट भी लावा और राइट भी लावा, भैंस की आंख भाई, इसको करने का कहा भाई। हेलो, अबे तेरे को ये चीजें कैसे पता होती हैं? अरे मैं बहुत गुणी ज्ञानी बंदा हूँ, हाँ मेरे को बहुत बड़े बड़े बंदे ढूंढ रहे हैं, आप भी को दे। अरे भाप रे, ए भाई ये तो झूला है, ए मैं यहाँ पे बिल्कुल बर भी नहीं पाऊंगा, ये देखो नीचे ऊपर, ए नीचे ऊपर। हे भाई तेरा खतरनाक छोरे के पास जो है पावर ही है, ये ऐसी पावर है मेरे पास होना तो मैं सारे स्कूल का टिफिन एक बार में खा जाऊं। तू चल, तू कोई लॉजिक है इस बात का? लेके चलो ब्रो इसको मारते गोली। एंड ये रहा ब्रो अपना फाइनल ट्रैप, यहां पर आ चुका है। और भाई साहब ये कौन सी जगह है? वे व्हाट, ओके मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई ऐसी जगह है जहां पर किसी ने कुछ ना कुछ छुपाया होगा, लाइक ऐसी जगह मेरे को लग रही है जहां पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ छुपा। व्हाट भाई, कितनी सारी वाइंस लगी है वहाँ पर, देख रहे हो? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वाइंस के पीछे कुछ ना कुछ है? बंदर वाले मुँह जाके जरा ये वाइंस तोड़ियो, कुछ दिख रहा है? तो फिशिंग, तो खाना हमको बहुत सारा है हमारे पास, तो फिशिंग मत कर, इसको अभी तक खाने की पड़ी हुई है, देख तेरे ऊपर कहीं वो सरिया ना गिर जाए। तो किसको मारते गोली? अगर मैं लाइट रॉड लेके यहाँ पर उड़ने की कोशिश करूँ, जो कि ऑब्वियसली बहुत हार्ड होने वाला, लेकिन अगर हमने कर दिया तो क्या एपिक व्यू यहाँ से ले रहे हैं यार। भाई जगह तो एकदम खतरनाक है मेरे भाई। ओके डेफिनेटली है 100% इन बैरिस के पीछे ये लोग कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई मशीन टाइप मेरे को कोई ना कोई चीज़ मिली हुई है। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ एक बारी और कुछ बैरिस को तोड़ने की कोशिश करूँ तो मेरे को रिवील करना कि आखिरकार इसके पीछे है तो क्या है। कम ऑन ए बंदर वाले, मेरी हेल्प करना यार। hey, कर तो रहा हूं भाव, मैं आपकी तरह जो है ऐसे पुर 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 करके काम नहीं करता, हम काम करते हैं इंसानों की तरह, वो भी आराम से, आपकी तरह मशीन नहीं हूं मैं। अच्छा कर ठीक है, दिमाग मत खराब कर। तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत मैं तोड़ लेता हूँ, इसको भी तोड़ो एंड फट इसको भी तोड़ो। हे हैंग ऑन अ सेकंड, ये है क्या? और ये कहाँ पर लेके जा रहे हैं यार ये ट्रैक्स? आई थिंक ब्रोस ये ट्रैक्स, भाई कितनी बड़ी कैनन लग गई है इसके ऊपर, होली क्रैप। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बहुत बड़ी तोप है, लाइक देख रहे हो चार चार कैनन इसके ऊपर लगी हुई है, मतलब कि एक ही बार में अगर ये चलेगी ना तो चार फटके मारेगी। अबे अंदर बच्चा, भाई कोई ना कोई एक्टिवेट कर लेगा भाई, तू भाई अंदर बच्चा। हे, ये तो मेरे को चलानी आती है, ए लास्ट टाइम जो है इसको मैंने एक्सबॉक्स से कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ था, क्या भागी ये ट्रेन। अरे मजाक मत कर यार प्लीज यार, मैं तेरे के हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये बंदा कुछ ना कुछ लगता है फाड़ के रखेगा। तो एनीवेज, तो बंदर तो अंदर जा चुका है, अगर मैं अंदर जाकर देखूँ तो भैंस की आंखें, देख रहे हो ये वही कन्वेयर बेल्ट है। ए मत दबा कोई बटन, पागल फट जाएगा यहीं पे, पागल है क्या ये भाई, समझता नहीं है यार ये बंदा तो। ओके अभी इसकी बातों में नहीं आते, और मेरे को यहाँ से पूरा चेकआउट करना है। भैंस क्यों टैचियां खोल रहा है भाई, ये क्यों टैचियां खोल रहा है? ए हैंग ऑन अ सेकंड ब्रो, यही तो वही चीज है जिससे हमने दरवाजा खोला था। आई थिंक ये देखो, मैं यही बोलने वाला था, कहीं ना कहीं लगने की जगह होगी, वैसे बहुत सारे स्विचेस लगे हैं। एक काम करिए, लीवर वाले पर लगा, कम ऑन लगा दे, देखी जाएगी। हां रुको, चल गई भाई, तूने क्या कर दिया भाई। ए मेरे को तो कीमा पीसने वाली मशीन लग रही है मेरे को, रुको अभी इसके अंदर मोटे मोटे चिकन जाएंगे और वहां से निकलेगा मटन। यार तू चुप कर यार, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो बेसिकली ब्रोस, कुछ ना कुछ तो हमने यहाँ पर एक्टिवेट किया है, कुछ ना कुछ। ए बंदर वाले मूव, मेरे पास मस्त वाला आइडिया आ चुका है। ये काम करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फ्यूल और दूसरे वाले के ऊपर भी लिखा हुआ है ऐड फ्यूल, देख रहे हो? तो यहाँ पर आई थिंक कोयला वगैरह डालना होगा और मे भी उससे हम ये ट्रेन चला सकते हैं। ब्रो क्या क्लासिक आइडिया मेरे पास। बंदर हम क्यों ना ये वाली ट्रेन यूज करें यही सिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए। भाई साहब एकदम ओपी आइडिया ये। हे भाव, मतलब कि हम लॉगी भाव का वेपन यूज करेंगे उनकी सिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए। अरे वाह 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 वाह,
बहुत जलील हरकत कर रही हो ये। अरे चुप कर भाई, वो लॉगी भाई नहीं है, वो फेक वाला लॉगी है भाई। उसके इरादे एकदम से नेक नहीं है, तो हमें उसका प्लान एकदम से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ओके, अभी मेरे को पता नहीं कि इसके अंदर कौन सा फ्यूल डालूं, तो अगर मैं अपनी इन्वेंटरी देखूं तो यहां पर कोयला वगैरह पड़ा हुआ है जो कि मैंने अभी माइन किया। ऑलराइट, तो उसके अंदर पहला फ्यूल जा चुका है। एक काम करते हैं, आधा निकालते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा यार। रुको उसके अंदर फ्यूल डाल भाई। इसके अंदर तूने यार ब्लास्ट फर्नेस भाई, तू कुछ ना कुछ ब्लास्ट करेगा। आधा निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं। क्या हुआ क्या कुछ? अरे भाई ये वाला चल रहा है, लेट्स गो। ये बंदा तेरे हाथ के अंदर कोई ना कोई और होगा। अरे नाइस, लेट्स गो। ओके, लेकिन हुआ क्या? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अरे वो कन्वेयर बेल्ट भी चल चुकी है, मतलब कि हमने एक गलती से कुछ ना कुछ फ्यूल किया है। भाव, ये सारा काम आप लोग यहाँ पर गलती से ही कर रहे हो। कुछ ना कुछ दिमाग का उपयोग करके असली काम भी कर दिया करो यहाँ पर। समझ रहे हो ना मैं किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ? रुको मैं समझाता हूँ। बेसिकली भाई ये बहुत बड़ी तोप है, समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर गलत बटन दबा दिया ना तो ये तोप यहीं पे फट जाएगी। और अगर तोप यहाँ पर फट गई फिर तो जैन कुली की मैन कुली की जैन ही हो जाएगी फिर तो। लेकिन मेरे को एक बात बता कि अगर ये कैनन है तो उसका एमुनेशन कहाँ पर है? लाइक उसके अंदर तोपे वगैरह डलती है वो कहाँ पर है? हे भाव, ये मेरे को सब पता है। उस तरफ ना झाड़ियों के अंदर डब्बा पड़ा हुआ है, उसके अंदर मेरे को लगता है तोपे वगैरह पड़ी होंगी। जब तेरे को पता है तो बोला क्यों नहीं मेरे को? ये देखो भैंस किया, वाकई में सही बोल रहा। तो अगर डब्बा खोल कर देखो, होली, अबे सारा काहे को ले रहा है तू? ए चुप कर, फोन उनका यहाँ पर ज्यादा मचमच मेरे सामने नहीं कर रही। आपको ये रसगुल्ला नहीं है मेरे हाथ में? तो भाई ये तो भा ऐसे मारूंगा एकदम फूक हो जाओगे आप लोग। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि यहाँ पर तोपे पड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये शक्तियाँ गलत हाथों में पड़ गई ना तो मैं फूक हो जाऊंगा फिर। वैसे बात तो तेरी ठीक है यार, क्योंकि अगर मैंने गलती, ओ भाई ये तो लाल वाली है, ये खतरनाक वाली मेरे को लग रही है, बंदर वाले मुंह। आई थिंक उसको काम करने देते हैं। तो बेसिकली ये बंदा ठीक बोल रहा है यार। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा असला बारूद का जो है सप्लाईज वगैरह यहाँ पर ढूंढ कर रखी हुई है। समहाउ मेरे को नहीं पता कैसे, समहाउ इसको तोप चलानी आती है और अभी ये जा रहा है तोप के अंदर कैनन को लोड करने के लिए। और एक बार फिर से ब्रोस मैं थोड़ा बहुत पीछे खड़ा हो। ओ भाई चल रही है एक्चुअली कुछ ना कुछ लोड हो रहा है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं जाके इसकी हेल्प करूं या मैं जाके पीछे चुपचाप खड़ा हो जाऊं, क्योंकि अगर ये गलती से फट गई ना तो पक्का हमारा यहां पर भरता बनने ही वाला है यार। लेकिन मैं भाग के जाऊं तो कहां जाऊं? और अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैंस की लिटरली, ये देख रहे हो लाल वाला बारूद जो मेरे हाथ में था ना, वो लिटरली वही चीज कैनन के अंदर लोड कर रहा है भाई। ए भाव, ए आप जरा पीछे खड़े हो जाओ, अगर मनोज बंदे ने देख लिया तो शायद नींद फट जाए। चुप कर, अपना काम कर। ओके, तो ये छलांगे मार मार के कैनन को फुल्ली लोड करके रखी है इसने भाई। ओके, आई थिंक अभी लास्ट वाला पार्ट उसके अंदर जाने वाला है। तो एक लोड हो चुकी है, दूसरी हाफ वे थ्रू है, तीसरी वो कर रहा है, और इसके बाद ये देखो अभी आ रही है चौथी वाली लोड। भाई साहब एक्चुअली में खतरनाक चीज है यार ये। ओ भाई ये बता तो दे ना कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर? हो गया भाई हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रही कि अगर मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो कौन से बटन से फटती है। एक काम करो, पहले मेरे को ना कैनन का मुंह ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आप फटाफट से बाहर जाके देखो और बाहर से आते देखने की क्या कैनन का मुंह ऊपर होता है कि नहीं होता। और जैसे ही लोकेशन के ऊपर पहुंची ना, आपने मेरे को रोकने के लिए बोलना, ठीक है ना? चलो अभी ट्रेन की पटरी पकड़ के सीधा निकलते हैं बाहर। ऑलराइट, तो ये रही अपनी ट्रेन। अगर मैं क्लिक करके इसके ऊपर, ओ माय गॉड, और ऐसे कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं यार। अब तो ट्रेन के अंदर बैठ जा फटाफट से। ओके, अरे भाई यो होली मूली, अबे कहीं गलती से बटन ना दबा दियो, यहीं पे फट जाएगी। और ये क्या, इन लोगों ने पूरा टनल, अरे लेट्स गो भाई, लिटरली ब्रोस हम लोग पूरा कैनन यहां से लेके जा रहे हैं यार। अभी फेक लॉगी की एकदम से खैर नहीं है भाई, अभी पासा पुटा हो चुका है ब्रोस, अभी हम लोग उसी का वेपन यूज करेंगे उसी के ऊपर। और भाई साहब टनल की डेकोरेशन देख रहे हो भाई, किस लेवल तक ये बंदा जा सकता है यार, पूरा नीचे तक उसने घोद के रखा हुआ है मैन। ए पहले ये बताओ कि ट्रेन की सीटी कैसे बजाते हैं? ए मेरे को ट्रेन की सीटी बजानी है, पूरी फिल्मों वाली फील मेरे को लेके आनी है यहाँ पर। यार तू जितना काम कर रहा है ना उससे ऑलरेडी मेरे को यहाँ पर हॉलीवुड वाली फील आ रही है यार। ओ भाई ये देख रहे हो, अरे क्या स्पीड पकड़ रही है अपनी ट्रेन। एंड फाइनली ब्रोस अभी हम आ चुके हैं टनल के बाहर। ओके, अभी मेरे को पहले ये पता करना कि ट्रेन को रोकना कैसे है पटरी के ऊपर। और ये रहे वो कमांड ब्लॉक्स,
होली शिट भाई साहब, कितनी भाई ग्राइंडिंग करी होगी इसने यार, और बहुत ही ये जगह मेरे को एक्चुअली सर्वर लग रहा है, और ये देख रहे हो होली बोली भाई 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 भाई, ओह माय गॉड, अरे बंदर एकदम लेजेंड बंदा यार, एकदम हमारी ट्रेन के साथ उड़ के एकदम जीटी वाली फील मेरे को यहाँ पर आ रही है। बट एनीवेज बिल्कुल ठीक, हमारी ऊपर आ चुकी है दुबई सिटी, और मेरे को यहाँ पर पहले स्टेशन के ऊपर ट्रेन को रोकना है, कैनन का मुंह एक बार फिर से ऊपर करना है, एंड फट से भैंस क्या यहीं पर मेरे को फायर करनी है यार, एकदम पूरी सिटी हम तोड़ देंगे। तो बंदर ने आई थिंक सही बोला, अगर हम इसका, और ये रहा पहला स्टेशन आ चुका है, तो ये मैं ये बोल रहा था कि अगर हम इसका पहला ब्लू प्रिंट, लाइक ये पूरा जो सिटी आप देख रहे हो, अगर ये ब्लू प्रिंट डिस्ट्रॉय कर दें तो मे बी हम पहले को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी मेरे को यहाँ से आराम से ट्रेन रोकनी है, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन बंदर वाले मुँह, अभी सब कुछ तेरे ऊपर है ठीक है, जैसे मैंने 3-2-1 बोला फायर कर दिया, 3-2-1 फायर, भाई साहब पहले फटके में ही। और ये कौन से क्लाउड आ चुके हैं ब्रोस, ये वाले क्लाउड मैंने पहले देखे, अबे ये क्या कर दिया तूने, अब ये कौन से क्लाउड आ चुके हैं यहाँ पर, और अजीब अजीब सी आवाजें कैसे आ रही हैं, अबे क्या कर दिया तूने भाव, ए मेरे कुछ नहीं पता यार, ए आप चुप करो, आप ट्रेन चलाओ, मेरी टेंशन मत करो, अगर मेरे कुछ हो गया तो टेंशन नॉट, मैं भाग दूंगा। अबे तू तो भाग जाएगा वो तो मेरे को पता है यार, धूम दबा के ऐसा भागेगा ना ब्रोस, आपको मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा भागेगा ना ये भाई, हम इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रोस, हमने पहला शॉट फायर कर दिया, और अब भी आता है दूसरा शॉट, तो काम करते हैं ट्रेन को आराम से एक बार फिर से आराम से इसको स्लो, अरे मैंने स्टॉप मिस कर दिया, तो उसको हल्के से पीछे लेके जाना और बिल्कुल यहाँ पर मेरे को स्टॉप करना है ट्रेन को, और मेरी बात सुन रुक जा ओके एक काम कर दो, सबसे पहले कैनन ऊपर करते हैं, क्योंकि अब की बारी फायर करने वाला थारा भाई, और हमारे बिल्कुल निशाने पर है अपना टावर, लेट्स गो, चल अभी सबसे पहले बाहर आ, और मेरे को यहाँ पर कैनन फायर करना है, भाई हमको भी थोड़ा बहुत मजा लेना है कैनन का यार। ओके अभी मेरे को ये पता कि कौन से वाले बटन से फायर होती है, कौन से वाला दबाना, ये पीछे वाला क्या, ए, नहीं नहीं ये मेन कंट्रोल है ट्रेन के, इससे पंगे लेने, इसके नीचे ब्लॉक कीपर जो है बटन लगा हुआ है, तो फटाफट से वो वाला बटन दबाना, और जैसे मैं बोलू ना ऐसे ऐसे जब मैं बोलूं तो फायर कर देना ठीक है। ओके 3-2-1 एंड फटाफट से फायर, लेट्स गो, मेरे को फटाफट से, अरे मेरी कैनन चल चुकी, और भाई साहब हे देख रहा है ये वाला धमाका मेरे को ज्यादा ही पड़ा, ओ भाई अभी तक धमाका हो रहा है, लेट्स गो भाई, आई थिंक वहां पर पहले से TNT पड़े होंगे और उस धमाके के कारण अपने TNT भी फट गए होंगे, नाइस इवन बिगर धमाका। एक काम करते हैं, अगर मैं अपनी लाइटर पहन के एक फटाफट से गोल्डन एप्पल खा के ऊपर जाके जरा मुआयना करके आऊं तो मेरे को भी जरा धमाके और क्लोजअप देखना, ओ भाई ओके ओके, अरे ओके कुछ ज्यादा ही पास में आ चुका हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पर नहीं चलते वापस, अरे भाई क्या धमाका किया मैंने ये वाला तो यार एकदम ओपी। ओके अभी चलते ट्रेन की तरफ और लेके चलते ट्रेन को दूसरे वाले स्टॉप के ऊपर, लेट्स गो भाई साहब, अपनी सिटी तबाह करके मेरे को फुल ऑन मजा आ रहा है, क्योंकि ये अपनी सिटी नहीं है ब्रोस, आपको तो पता है कि ये है ब्लू प्रिंट, और मेरे को यहाँ पे कैनन को यहाँ पर एक बार फिर से लोड करना पड़ेगा, अरे बंदर वाले मुंह आई एम रेडी ब्रो, भाई ये क्या हो रहा है यार, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर, होली अबे बंदर वाले मुंह जल्दी से लास्ट वाला शॉट फायर कर दे क्विक भाई, आई थिंक कोई ना कोई टोर्नेडो या कोई ना कोई डार्क पावर हमारे यहाँ पे घिरने, ये भाई हेलो, अबे जल्दी कर जो भी कर रहा है कोई जल्दी कर प्लीज, ओ माय गॉड आई डोंट थिंक हमारे पास टाइम है, बंदर वाले मुंह तुम्हारी बात सुन रहे हैं ना, हे भाव मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आपको बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है कैनन लोड कर रहा हूँ, मैं अपने फोन की बैटरी चार्ज नहीं कर रहा, बता कैनन लोड करने में बहुत टाइम लगता है, और मेरे भाई अपने पास टाइम ही नहीं है, ये देखो ओ तेरी हम, बंदर वाले मुंह तो जो भी कर रहा है उसको छोड़, जो भाई मेरी भाई तू जो कर रहा है उसको छोड़ दे, आई डोंट थिंक कि अब ये कैनन चलने वाली है, हमने यहाँ पर एक वर्म होल खोल के रखा हुआ है, होली मोली अगर ये पूरा ग्राउंड को टच करेगा तो पता नहीं, ओ माय गॉड मैं आई थिंक गाइस बेस्ट तरीका यहाँ से यही होगा, इससे पहले कि ये सारी तूफान, ओ बड़ी मेरे को चपेटे में ले रहा भाई, मैं पीछे जा भी नहीं पा रहा, निकल बंदर वाले मुंह यहाँ से निकल, ये हुआ क्या हो तेरी, ये क्या कर दिया आपने भाई, ये तूफानी हवाएं कहाँ से चल रही हैं, ये भागो यहाँ से क्या कर रहे हो, ये नीचे जाके चपेटे में आ रहे के सारे मर जाएंगे यहाँ पर, ओ चपेटे में क्या आएंगे, मेरे को चपेटे में ले चुका है भाई, ये तो शुक्र है कि मैंने लाइटर बन के रखी हुई थी, ऊपर मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर, वेट व्हाट, मेरे को नीचे से ये बवंडर आई मीन ये टोर्नेडो ऊपर तक लेके चला गया भैंस की आंख, मैं अपनी लाइटर निकल भाई, अरे मैं निकल भी नहीं पा रहा ब्रोज,
होली मूली, बहुत ही ज्यादा गंदा फंस चुका। और हमने लास्ट वाला कैनन भाई चलाई भी नहीं हमने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने इनफ डिस्ट्रक्शन कर दी है। ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये देखो एक और टोरनेडो यहाँ पर आ चुका है। होली भाई गए बंदर वाले मुंह, हमने पता नहीं यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है। और भाई ओ माय गॉड, भाई साहब आई थिंक ये कोई टाइम लूप का पंगा हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि पूरा एकदम बड़े वाला क्लाउड अपने सिटी के ब्लूप्रिंट के ऊपर ही आ रहा है। होली अबे तू देख रहा ना बंदर वाले मुंह, अभी मैं आपको दिखाता हूं असली मजा। रा पा 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 फायर देख लियो, आपने बोला था कि फाइनल वाला राउंड फायर करना है और मैंने कर दिया भाई, मैं अपनी जुबान का बहुत पक्का बंदा हूँ। अरे वो सब ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ कि ये बड़े बड़े धमाके कौन कर रहा है भाई, अब तो कहना नहीं बंद कर दी, कुछ ना कुछ हुआ गड़बड़ कुछ ना। ओ भाई बंदर निकल भाई, मैं तो निकल भी नहीं पा रहा भाई, ये प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है भाई, ये देख रहे हो मेरे अंदर से क्लाउड निकल रहे हैं। और भाई ये वाला कितना बड़ा हो चुका है, व्हाट द हेल। ओके निकलते हैं भाई, और मैं निकल भी नहीं पा रहा, मैं जितना भी यहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ घुमा फिरा के, ये बिंदा वापस मेरे को पीछे लेके जा रहा है जहाँ पर हमारा ब्लू प्रिंट था। आई डोंट नो करूँ क्या करूँ, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। मैं तो अपनी फायर रस भी यूज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे को गोल गोल भवंडर के अंदर गोल गोल घुमा कर खबर होने ने यहाँ पर। मैं तो अंदर ही जा रहा हूँ इसके अंदर, तेरे को बचाओ कोई, ये सारी अपनी गलती है, एक काम आपको ठीक से करना आता नहीं है। अरे मेरे को क्या पता था कितना बड़ा बवाल आ जाएगा यार यहाँ पर तो, और मेरे फायर रस टोटली खत्म हो चुके हैं, मैं यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं। अब भी एक काम करते हैं, भागने का मसला नहीं है, आई थिंक हमें इसके अंदर जाना होगा, लेट्स गो।